बच्चों आज हम पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, संबंध और फलन। हमने कक्षा 11वीं में फलन के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बहुत सारे संबंध फलन के बारे में बताया था, एक एक फलन, अनेक एक फलन, बराबर ना, बराबर, और भी तमाम प्रकार के संबंध। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे संबंध और फंक्शन के बारे में, फलन और संबंध के बारे में। तो पहला संबंध होता है स्ववाचक संबंध, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। और यदि हम इसको इस प्रकार से समझें तो शायद आपको जल्दी समझ में आएगा कि यदि प्रत्येक ए सदस्य हो ए का, या ए बिलोंग्स टू ए के लिए, छोटा ब्रैकेट में, यदि दो सदस्य हों ए और ए, मतलब दोनों सदस्य एक जैसे हों और वो किस में, आर में बिलोंग करते हों या आर के अवयव हों, तो और तो ही आर को हम ए का स्ववाचक संबंध कहते हैं। दूसरा संबंध जो होता है वो सममित संबंध, इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब है, या इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, या इसको इस प्रकार से समझा सकता है कि यदि प्रत्येक, छोटे ब्रैकेट में, यदि दो सदस्य ए और बी आर के अवयव हों के लिए, यदि उसी छोटे ब्रैकेट में बी ए, मतलब ए और बी ने अपना क्रम चेंज किया हो और वो भी आर के अवयव हो जाएं, तो और तो ही आर को ए पर का सममित संबंध कहते हैं। अब तीसरे संबंध की चर्चा करते हैं। तीसरा संबंध है पारंपरिक संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिस्टिव रिलेशन। और इसको इस प्रकार से समझते हैं कि हमारे पास यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू आर हो, मतलब हमारे पास छोटे ब्रैकेट में दो सदस्य हैं ए और बी, और वो किसके सदस्य हैं, आर के, और उसी प्रकार से दो सदस्य बी और सी, छोटे ब्रैकेट में, वो भी किसके सदस्य हों, आर के। यदि ऐसा हो तो यदि ए सी भी आर हो, यदि ए सी भी किसमें हो, आर के सदस्य हो, तो और तो ही आर पर पारंपरिक संबंध कहते हैं। अब ये आज हमने तीन संबंधों के बारे में आपसे चर्चा की, पहला स्ववाचक संबंध, दूसरा सममित संबंध, तीसरा पारंपरिक संबंध। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग, कि यदि इन तीनों संबंध को कोई एक संबंध अपने अंदर समाविष्ट करता हो तो ऐसे संबंध को हम साम्य संबंध कहते हैं। और साम्य संबंध का मतलब है, साम्य संबंध मतलब इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि यदि समुच्चय ए पर का संबंध, क्या बोला मैंने, यदि समुच्चय ए पर का संबंध यदि इन तीनों संबंधों को, पहला स्ववाचक, दूसरा सममित और तीसरा परम्परित हो, मतलब यदि एक ही संबंध इन तीनों संबंधों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है तो आर को हम साम्य संबंध कहते हैं। अब हम एक और संबंध के बारे में चर्चा करते हैं, इसे हम बोलते हैं तदेव संबंध, इसका इंग्लिश वर्ड वर्जन है आइडेंटिटी रिलेशन। यदि हम इसको इस प्रकार से समझें कि अरिक्त समुच्चय, आपको मालूम होगा कि समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, रिक्त और अरिक्त। यदि अरिक्त समुच्चय ए पर के सभी संबंधों को, सभी संबंधों में से अपने पास एक हम मंझला ब्रैकेट लेते हैं और उसके अंदर दो सदस्य हैं एक्स और एक्स, सच दैट, मतलब इस प्रकार से कि एक्स किसके अवयव हो, ए का, तो हम उसको क्या कहते हैं, साम्य संबंध है। दोबारा समझिए, यदि अरिक्त समुच्चय ए पर के सभी संबंधों में से एक्स एक्स बिलोंग, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, साम्य संबंध है, इसे तदेव संबंध कहते हैं। इसे संकेत में हम आई ए द्वारा दर्शाया जाता है।